नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। चार बजे की चार बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बीजेपी कांग्रेस के बीच चल रहे कोल्ड वॉर के बीच पीएम मोदी ने बिना नाम लिए कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर हमला बोला है। पीएम ने कहा कि सभी भ्रष्टाचारी मिलकर एक मंच पर आ गए हैं। उनके इस बयान से कहीं ना कहीं विपक्ष के हौसलों को एक बार फिर से चोट पहुंचती नजर आ रही है। वहीं विपक्ष के लोकतंत्र बचाओ अभियान पर पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो उन पर हमले हो रहे हैं, अदालतों पर सवाल उठ रहे हैं, कुछ पार्टियों ने भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान शुरू किया है। इसके साथ ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी राहुल पर तंज कसा है और हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अहंकार के चलते उनकी सदस्यता चली गई है। सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती हैं। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। मिस्टर राहुल गांधी का ये विचार है कि इस देश पर राज करना उनका अधिकार है, उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, ऐसा उनका सोचना है। वो एंटाइटलमेंट की राजनीति करते हैं। उनको लगता है कि एक परिवार में पैदा हो गए तो देश पर राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार बन जाता है। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन, कोर्ट, पार्लियामेंट, ये सब क्या व्यवस्था है, वो सब इन सब से अपने आप को ऊपर मानते हैं। इस ऊपर मानने के कारण अपने आप को मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन से भी ऊपर है। क्या संविधान में बनी हुई व्यवस्थाएं, जो इंस्टीट्यूशंस बने हैं, इस देश की डेमोक्रेसी ने बहुत गहराई से सोच समझ के एक पूरे मेथोडिकल वे में जो इंस्टीट्यूशंस बनाए, मिस्टर राहुल गांधी सोचते हैं कि वो उन इंस्टीट्यूशन से ऊपर है। वो सोचते हैं कि कोई भी कोर्ट उनके अगेंस्ट कोई जजमेंट कैसे दे दिया। उनको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्शन आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। उनको लगता है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शन 83 में कोई प्रावधान है, उनके ऊपर लागू नहीं होना चाहिए। सब पे लागू हो, मिस्टर राहुल गांधी पे लागू नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एंटाइटलमेंट की फीलिंग के साथ राजनीति में है। क्योंकि वो ये मानते हैं कि देश पे राज करना उनका जन्मसिद्ध अधिकार है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, देखा जाए तो 2024 को लेकर जिस तरीके से कुछ दिन पहले ही विपक्षी पार्टियां छिटकती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब जब से राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है तब से कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां एकजुट होते हुए नजर आ रही है। इसी को लेकर कल पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला भी बोला है। जी बिल्कुल नंदिनी, देखिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, 24 चुनाव आ गया है और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच यहाँ पर संग्राम होना जरूरी है। वो संग्राम जुबानी बहुत मजबूती के साथ हो रहा है। अगर हम बात करें अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर, लगातार विपक्ष बीजेपी को घेरता चला आ रहा था, तो भाई विपक्ष ने को भी यहाँ पर बीजेपी द्वारा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए राहुल गांधी के बयान पर लगातार यहाँ पर चर्चाएँ चल रही थी और चर्चाओं का दौर इतना ज़्यादा था, इतना व्यवहारिक बयान, इस तरह की बयानबाजी चल रही थी कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई लगातार स्थगित हुई जा रही थी और कहने की जनता के साथ एक विश्वासघात हो रहा था, क्योंकि जब कार्रवाई होती है तो जनता के मेहनत के खून पसीने की टैक्स के पैसे से वो कार्रवाई होती है, उसे पैसा लगता है, कहीं ना कहीं ये देश के साथ एक विश्वासघात है। दूसरी बात, सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात नंदिनी यहाँ पर यह है कि अगर हम चर्चाओं की बात करें
तो यहाँ पर राहुल गांधी की जिस तरह से अभी हाल में सजा हुई है, केरल की बायनाड सीट से वो सांसद थे, सजा होने के बाद उनकी जो सदस्यता रद्द हुई उसके बाद फिर विपक्ष यहाँ पर एकजुट होता नजर आ रहा है। विपक्ष जो यहाँ पर दो धरे में बट गया था, जहाँ अगर इस धरे की बात करें तो अखिलेश यादव यहाँ पर ममता बनर्जी से मिले थे, एम के स्टालिन से बात चल रही थी, केसीआर से बात चल रही थी, इसका अगर बात करें तो आरजेडी से बात चल रही थी, तमाम तरह की कहा जा रहा था एक धरा अलग होगा, दूसरे धरे में कांग्रेस की बात कही जा रही थी। हालांकि कांग्रेस की तरफ अखिलेश यादव ने कोई इशारा नहीं किया था, पर माना जा रहा था कि शायद विपक्ष दो धरे में यहाँ पर तब्दील हो जाए, पर जिस तरह से राहुल गांधी की हाल में सरसरा गई है उसके बाद विपक्ष लगातार यहाँ एकजुट होने का प्रयास कर रहा है और सभी विपक्ष की पार्टियों ने यहाँ पर राहुल गांधी की सरसरा जाने पर यहाँ पर विरोध जताया था। उन्होंने कह रहा था बहुत जल्दी यहाँ पर लोकसभा सरसरा पर यहाँ पर फैसला किया गया है और कहीं ना कहीं जानबूझ के तानाशाह रवैया सरकार अपना रही है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी बात को लेकर विपक्ष पर हमला बोला और उनका कहना है कि विपक्ष की यहाँ पर गैर बुनियादी बात कर रही है, अगर न्यायपालिका ने कोई फैसला लिया है तो उसको लेकर यहाँ पर सवाल उठाना लाजमी नहीं होना चाहिए, क्योंकि न्यायपालिका पे आप सवाल नहीं उठा सकते हैं। ये वही न्यायपालिका है जो आपको सजा भी देती है, ये वही न्यायपालिका है जो आपकी बात भी सुनती है और ये वही न्यायपालिका है जो समय समय पर आपको जमानत भी देती है। और अगर न्यायपालिका ने आपको सजा दी है तो वो वही न्याय संगत यहाँ पर होगी और अगर जो न्याय संगत होता है उसके हिसाब से यहाँ पर आपकी लोकसभा की सदस्यता भी आपकी रद्द की गई है। तो यहाँ पर विपक्ष को जहाँ पर एकजुट करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे थे, सत्याग्रह भी करने जा रहा है, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात है राहुल गांधी की सरसर जाने के बाद यहाँ पर फिलहाल कांग्रेस को लगता है कि खाद पानी मिल गया है या कांग्रेस को यहाँ पर संजीवनी मिल गई है जो कि पूरे विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। और कांग्रेस कार्यकर्ता भी इस सरसर रद्द होने के बाद बिल्कुल आक्रमण और अटैक के मोड में आ चुके हैं, संघर्ष की स्थिति में आ चुके हैं, कहीं ना कहीं ये फिलहाल बीजेपी के लिए चुनौती बनती नजर आएगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए लाभ देती नजर आएगी। जी गौरव, देखा जाए तो जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी की संसद सदस्यता गई है, वहीं पर बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, उधर कांग्रेस कर रही है, एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। बीजेपी कह रही है कि ओबीसी समाज का अपमान हुआ है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। देखिए नंदिनी, अपमान किसका हुआ है वो कोर्ट ने फैसला किया है, जिस तरह से मोदी नाम को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया था और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उनके बयानों को लेकर कोर्ट ने उनसे माफ़ी मांगने को कहा था, पर राहुल गांधी ने जो 23 मार्च 2023 का दिन था उसको ऐतिहासिक बनाने के लिए यहाँ पर माफ़ी नहीं मांगी थी और अपनी बात पर अडिग रहते, कह रहे मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, आप जो चाहे सजा हमको दे सकते हैं। मैं आपको बता दूँ 23 मार्च 1931 में भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु ने इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी, तब इनको फांसी का सजा का ऐलान हुआ था, तो वहीं रॉलेट एक्ट के लिए भी महात्मा गांधी को 6 साल की सजा का ऐलान यहाँ पर हुआ था और दोनों ही स्थिति में माफ़ी नहीं मांगी गई थी। ये 23 मार्च का दिन ऐतिहासिक था, इसी दिन को ऐतिहासिक बनाने के लिए राहुल गांधी ने वही रवैया और वही अपनी अधिकता दिखाई और उन्होंने कहा कि हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, यहाँ पर मैंने केवल किसी वर्ग का अपमान नहीं किया है, मैंने ओबीसी वर्ग का अपमान किया है, मैंने केवल मोदी शब्द के लिए बात कही है, क्योंकि तमाम लोग ऐसे हैं जिनके साथ सन्ने मोदी जुड़ा हुआ है और उन्होंने देश के साथ विश्वासघात किया है, जिसको लेकर उन्होंने बात कही थी और निश्चित रूप से यहाँ पर न्यायपालिका ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया है। इसको लेकर उन्होंने कहा था कि अगर हमको गलत तरीके से जिम्मेदार ठहराया जाएगा तो हम माफ़ी नहीं मांगेंगे, उसके बाद से जो घटनाक्रम में आपको पता है कि पहले सजा हुई उसके बाद उनकी लोकसभा की सदस्यता को रद्द कर दिया गया, उनके बंगले को खाली करने का नोटिस भी दिया गया है और फिलहाल कांग्रेस लेकर इस मामले को लेकर आर पार की लड़ाई पे आ चुकी है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। तो वहीं कर्नाटक चुनाव का बिगुल बज चुका है, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक में 10 मई को चुनाव होंगे, वहीं 13 तारीख को रिजल्ट का ऐलान होगा। माना जा रहा है कि इस बार कांग्रेस सत्ता पर काबिज बीजेपी को कड़ी टक्कर देने वाली है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ गौरव श्रीवास्तव जुड़ेंगे। गौरव, कर्नाटक में चुनावी बिगुल बज चुका है, 10 मई को वहां पर चुनाव होंगे। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं नंदिनी, सबसे महत्वपूर्ण बात है 9 राज्यों में चुनाव इस बार होने हैं और जहां पर 3 राज्यों में हो चुके हैं, कर्नाटक की यहां पर बारी है। आपको बता दूं सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पे ये भी है, क्योंकि अगर एक राज्य को और जोड़े हुए तो हो सकता है जम्मू कश्मीर में भी चुनाव यहां पर हो सकते हैं। तो यहां पर जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ये है कि 9 राज्यों चुनाव
होने की स्थिति में, जहां पर तीन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, बीजेपी को यहां पर लाभ की स्थिति में बताया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अब यहां पर कर्नाटक में चुनाव होने वाले, जहां पर बीजेपी पिछले चुनाव में 2018 के चुनाव की बात करें 224 सीट में से 100 से ज़्यादा सीटों यहां पर लेकर आई थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को यहां पर एक महत्वपूर्ण बात सामने आई थी कि बीजेपी कहीं भी जा सकती है, कहीं भी मेहनत कर सकती है और चुनाव की रणनीति और कार्यकर्ताओं के मेहनत रंग पर कहीं भी सरकार बना सकती है। और फिलहाल 2018 कर्नाटक चुनाव में ऐसा ही हुआ था। तो यहाँ पर कांग्रेस का कहना यह है, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो लगातार यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं कि जो जनता है कर्नाटक की वो बीजेपी से आगे जा चुकी है, वो कह रही है कि इस बार हम सरकार को उखाड़ फेंकेंगे और जनता का रुझान है, इसलिए यहाँ पर हमारा कोई संचय नहीं है। और यहाँ तक इन्होंने ये भी कह दिया कि हम मजबूत चुनाव लड़ेंगे और सीएम फेस यहाँ पर कौन होगा यह भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। पर कहीं ना कहीं चूंकि चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि अगले साल 24 का चुनाव है और कहीं ना कहीं अगर राज्यों के चुनाव में कांग्रेस को जीत हासिल होती है या बीजेपी की परंपरा लगातार जारी रहती है, यहाँ पर फिर सरकार बनाते हैं तो यहाँ बीजेपी को फायदा होगा, अगर कांग्रेस यहाँ सरकार बनाती है कांग्रेस को लाभ मिलेगा, क्योंकि किसी राज्य में आप सरकार बनाते हैं तो वहाँ पर निकाय चुनाव की बात करें या वहाँ पर लोकसभा चुनाव की बात करें वहाँ पर पार्टी को लाभ भी होता है, विधानसभा चुनाव की बात करें वहाँ भी लाभ होता है। तो सभी चुनाव इस चुनाव से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात है 10 मई को चुनाव होगा, 13 को परिणाम आएंगे और बहुत कुछ स्थिति स्पष्ट होगी कि कर्नाटक की परंपरा चलती रहेगी यहाँ पर या कांग्रेस यहाँ पर कोई बदलाव करके आएगी। गौरव, लेकिन इस बार कर्नाटक के चुनाव में भी त्रिकोणीय चुनाव देखा जा रहा है, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कह रही है कि हमारी जीत होगी, वहीं कांग्रेस भी कह रही है कि हमारी ही जीत होगी, जेडीएस भी कहीं ना कहीं अपनी सरकार बनाने की दावेदारी ठोक रही है। देखिए नंदिनी, दावेदारी तो यहाँ हर आदमी बात करेगा, हर पार्टी बात करेगी, कई चुनाव देखे जहाँ पर अगर हम बात करें हाल के चुनाव की, गुजरात में चुनाव हुआ, गुजरात में चुनाव में कहा गया था कि वहाँ पर आम आदमी पार्टी वहाँ सरकार बनाने जा रही है, जो फैसला हुआ वो आपके सामने है। तो तमाम तरह की बातें होती है, सभी फिलहाल अपनी अपनी बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो तमाम बड़ी बातें कही जा रही थी, कांग्रेस सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी सरकार बना रही है, सपा सरकार बना रही है, और जो व्यवस्था हमने यहाँ पर देखी 37 साल पुराने मिथक को टोड़कर बीजेपी द्वारा सत्ता में आसीन हुई थी, तो कहीं ना कहीं सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, सबकी अपनी अपनी उम्मीदें हैं और सबकी अपने अपने दावे हैं, पर दावों पर कौन यहाँ पर खड़ा उतरेगा ये फैसला जनता करती है, जनाधार किसको देगा ये भी जनता के हाथ में है। फिलहाल यहाँ पर किस तरह की स्थिति रहेगी, रणनीति किस तरह की रहेगी, क्योंकि बीजेपी का कहना स्पष्ट है कि हमारे जो कार्यकर्ता है वो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, हमेशा मेहनत करते हैं, उनके लिए कभी उन्होंने ये नहीं सोचा है कि अगर सरकार बन गई है तो वहाँ शांत बैठना है, लगातार परिश्रम करते हैं, लगातार संघर्ष करते हैं, इसलिए लगातार बीजेपी देश भर में इतिहास बनाती नजर आ रही है। फिलहाल कर्नाटक चुनाव में भी ऐसा ही होने वाला, हालांकि विपक्ष के अपने अपने दावे हैं, विपक्ष के दावे कितने यहाँ पर साबित होने वाले हैं, दावों में कितनी सच्चाई वो आने वाले 13 मई को स्पष्ट हो जाएगा। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका गौरव। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। यूपी में एक बार फिर से चुनाव का ऐलान हुआ है, रामपुर की स्वार और मिर्जापुर की 96 सीट पर 10 मई को उपचुनाव होंगे। स्वार सीट से सपा के टिकट पर पिछली बार अब्दुल्ला आजम चुनाव जीते थे, लेकिन इसी साल उनके विधायक निरस्त हो गई, जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। वहीं मिर्जापुर की 96 सीट से विधायक राहुल कौल चुनाव जीते थे, लेकिन उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हो गई है। बता दें कि 10 मई को उत्तर प्रदेश में दो जगह विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। बता दें कि स्वार सीट से अब्दुल्ला आजम की सदस्यता निरस्त हो गई है, वहीं 96 सीट मिर्जापुर के 96 सीट से राहुल कौल के निधन के बाद ये सीट खाली हो गई है, जिसका चुनाव ऐलान कर दिया गया है 10 मई को वहां पर उपचुनाव होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, 10 मई को उपचुनाव का ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखा जा सकता है कि विधानसभा की दो सीटों पर उपचुनाव होगा। ये उपचुनाव जो है रामपुर की स्वार और एक सीट जो है वो 96 की। यहाँ पे 96 की सीट की बात करें, जो विधायक थे उनके निधन के बाद ये सीट खाली हो गई। अगर स्वार की बात की जाए तो अब्दुल्ला आजम जो आजम खान के बेटे हैं उनकी सदस्यता चली गई है। अगर हम बता दें तो उनके पिता आजम खान से लेकर अब्दुल्ला आजम दोनों की सदस्यता चली गई है, और सदस्यता जाने का ये पहला कोई मामला नहीं है। इन दोनों की सदस्यता जाने के बाद यहाँ पे विधानसभा के उपचुनाव हो गए, और हमको बता दें कि विधानसभा के चुनाव 2022 में संपन्न हुए थे, उसके बाद लगातार जो है आजम परिवार पे शिकंजा कसता चला जा रहा था और कई आरोपों में मुकदमे भी दर्ज हो गए थे। इसके बाद सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की भी
सदस्यता इस सीट से चली गई है और 10 मई को जो है ऐलान हो सकता है किस प्रकार से देखा जाता है कि इस दो जो विधानसभा के उपचुनाव होने हैं उसमें समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा सकती है। इन दो सीटों पर खासा कुछ प्रभाव अगर देखने की बात करें तो आजम परिवार का प्रभाव स्वार पे था और जिस तरीके से ये उपचुनाव इसके पहले भी संपन्न हुए चाहे वो मैनपुरी का उपचुनाव हो चाहे वो खतौली का उपचुनाव हो हमने देखा है कि किस प्रकार से सपा और भाजपा की लड़ाई जो है वो रही थी। तो इस उपचुनाव में भी देख सकते हैं कि कांटे की टक्कर होगी, लड़ाई सपा बनाम भाजपा की होगी। क्या लगता है इस बार स्वार सीट से समाजवादी पार्टी किसको मैदान में उतार सकती है? देखिए स्वार सीट जो इससे पहले अब्दुल्ला आजम यहाँ से विधायक थे, यहाँ से वो जीते थे, यहाँ से चुन गए थे, यहाँ की जनता के जनप्रतिनिधि थे, लेकिन उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई है जिसके बाद से ये सीट खाली हो गई। तो अभी भी किसी का नाम लेना जल्दबाजी होगी, ये सपा की कार्यकारिणी सदस्य की बैठक में डिसाइड होगा कि इस सीट से समाजवादी पार्टी किसे अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। और सपा के परिक्षेप में ही नहीं भारतीय जनता पार्टी के परिक्षेप की अगर बात करें तो अभी फिलहाल जल्दबाजी है, थोड़े ही दिनों में यह पता चल जाएगा कि सपा या भाजपा इस सीट से किसे अपना प्रत्याशी चुनती है और कौन इस सीट से जीत के सदन में अपनी बात बुलंद करता है। जी, देखा जाए तो दोनों जगह कांटे की टक्कर है, समाजवादी पार्टी में भी और बीजेपी में भी, लेकिन वही समाजवादी पार्टी की बात करें तो रामपुर की सीट से समाजवादी पार्टी हार गई थी। जी बिल्कुल, उपचुनाव पिछले उपचुनाव की बात करें तो समाजवादी पार्टी को वहाँ हार का सामना करना पड़ा था और लगातार समाजवादी पार्टी इस बात की दोहरा रही थी किस प्रकार से इस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही थी। खैर इसके बावजूद वो लगातार आरोप के बाद मैनपुरी में जीते, खतौली में उनका गठबंधन जीता, लेकिन रामपुर में आकाश सक्सेना ने जो प्रत्याशी थी वहाँ सपा की प्रत्याशी थी उनको हरा दिया था। उसके बाद कई वीडियो भी समाजवादी पार्टी ने शेयर किए, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी मुख्य सचेतक मनोज पांडे और प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने भी किया और तमाम तरह की चीज़ें फुटेज जो है वो दिखाते हुए कहा कि रामपुर में बकायदा पुलिस वोटरों को वोट नहीं करने दे रही है, सरकारी मशीनरी का भारतीय जनता पार्टी दुरुपयोग कर रही है और राज्य निर्वाचन आयोग के अलावा जो निर्वाचन आयोग का ऑफिस दिल्ली है वहाँ भी समाजवादी पार्टी के बड़े नेता अपनी फरियाद लेकर जाते ही रहे हैं। तो ऐसे सिलसिले जो है इस उपचुनाव में देखे गए थे और आने वाले इस विधानसभा उपचुनाव में जो दो सीटों का उपचुनाव होने वाला है इसमें भी कहीं ना कहीं देखे जा सकते हैं। और ये पुरानी बात रही है कि चुनाव हारने के बाद ईवीएम की गड़बड़ी का मामला हो या फिर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग का मामला हो, विपक्षी पार्टियाँ हमेशा जो है वो उठाती ही रहती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जिस भी पार्टी की सरकार होती है उपचुनाव में कहीं ना कहीं उसको ज्यादा लीड मिलती है, ज्यादा बढ़त मिलती है और ज्यादा फायदा भी मिलता है। जी विवेक, बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो क्या लगता है कितना चुनौतीपूर्ण है स्वार की सीट को बचाना समाजवादी पार्टी के लिए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अब्दुल्ला आजम विधायक थे, निर्वाचित होकर गए थे, पूरी प्रक्रिया के साथ गए थे, उनकी सदस्यता जाने के बाद यहाँ से कोई नया प्रत्याशी होगा तो समाजवादी पार्टी की ये सीट है, पारंपरिक सीट इसे कह सकते हैं। और इस प्रकार से रामपुर की भी जो सीट पिछली बार थी, आजमगढ़ की सीट थी, वो भी पारंपरिक सीट थी, लेकिन खैर वो सीट हार गए थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। उसके बाद अगर बात की जाए तो ये भी एक पारंपरिक सीट है, यहाँ भी समाजवादी पार्टी अपना पूरा दमखम लगाएगी और इस चुनाव को जीतने की कोशिश करेगी, क्योंकि लगभग 125 विधायक समाजवादी पार्टी 2022 में उनको मिले थे, 125 सीटें मिली थी और उसमें से जो विधानसभा के उपचुनाव हुए थे वहाँ वो सीटें हार गए। तो ये भी एक उपचुनाव है, अपनी सीटों को बचाने की कोशिश हर पार्टी करेगी और ऐसा नहीं है कि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी कोई मेहनत नहीं करेगी, कोई रणनीति नहीं तय करेगी, क्योंकि आने वाले समय में 10 से 11 महीने का ही समय लोकसभा चुनाव के लिए बचा हुआ है। तो ये एक छोटी सी प्रैक्टिस होगी समाजवादी पार्टी के लिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक।
1917 में देश में सबसे पहले सत्याग्रह की गूंज सुनाई दी थी और सत्याग्रह का नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था। देश में एक बार फिर से सत्याग्रह हो रहा है, वजह है इस दौर का गांधी यानी राहुल गांधी की। सदस्यता जाने के बाद से कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमलावर है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी तानाशाही रवैया अपना रही है और इसके खिलाफ कांग्रेस का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। कांग्रेस इस मुद्दे को आगामी चुनाव में भुनाने के लिए भी जुट गई है। ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर हमारे साथ संवाददाता विवेक जुड़ेंगे। विवेक, 1917 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किया था, फिर आज एक इस दौर में एक और सत्याग्रह होने जा रहा है। देखिए, गांधी के सत्याग्रह को इस दौर के सत्याग्रह से हम तुलना नहीं कर सकते। गांधी का जमाना अलग था, गांधी में एक मास अपील थी, गांधी लोगों से कनेक्ट करते थे, उनके दिलों से कनेक्ट करते थे। उस समय एक ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ एक डंडे के सहारे चलता था, जिसे ब्रिटिश हुकूमत भी काफ़ी तवज्जो देती थी, लेकिन आज की परिप्रेक्ष्य में इसकी परिभाषा बदल गई है। आज गांधी के रास्तों पर दिखाई गई पार्टी, आज कांग्रेस की पार्टी की अगर बात करें तो उसके जो युवराज कहे जाते हैं राहुल गांधी, उनकी सदस्यता खत्म हो गई है। और एक मानहानि के केस में सूरत की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद संसद से उनकी सदस्यता चली गई। इसके बाद लगातार इस देश में इस बात पे चर्चा बनी रही। राहुल गांधी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रेस से बात की, राजघाट पे अनशन किया, सत्याग्रह किया, शांतिपूर्वक बात की। और तमाम प्रदेशों में इनके प्रदेश अध्यक्ष से लेके तमाम इनके जहाँ पे इनकी सरकारें हैं, जहाँ इनके मुख्यमंत्री हैं, वो आके अलग अलग प्रदेशों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अगर 2 दिन पहले की अगर हम बात देखें तो भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आए थे, यहाँ उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अशोक गहलोत जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और गुजरात आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। केंद्र की भाजपा सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जब अडानी के मुद्दे पर सदन पर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को ये नागवार गुजरता है। जब मोदानी के मुद्दे पर बात की जाती है तो भारतीय जनता पार्टी इसे पचा नहीं पाती है। जब जेपीसी की गठन की बात की जाती है तो नरेंद्र मोदी कुछ नहीं बोलते हैं। तमाम तरह के आरोप जो है केंद्र सरकार पर लगाए गए, और जो अंबानी की सेल कंपनियां हैं उन पर सवाल पूछे गए, और लगातार इन प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ये एक ही उद्देश्य था कि किस प्रकार से राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बनाना कि राहुल गांधी देश के लिए सवाल पूछ रहे हैं, देश के लोकतंत्र के लिए सवाल पूछ रहे हैं, तो उनके ऊपर इस प्रकार की अलोकतांत्रिक कार्रवाई की जा रही है। एक माहौल बनाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा आम चुनाव से पहले, किस प्रकार से राहुल गांधी के मामले को तूल दिया जाए, इस मामले को बढ़ चढ़ के दिखाया जाए और एक सिंपैथी जनता के लिए जाए कि जनता के मुद्दों की बात करते हुए राहुल गांधी ने सदन में कुछ तस्वीरें पेश की, कुछ कठिन सवाल प्रधानमंत्री से पूछे, और उसके बाद जो है ये द्वेषात्मक कार्रवाई जो है वो केंद्र की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार कर रही है। प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री को कायर कहते हुए कहा था कि इस प्रकार की कायराना हरकत जो है वो केंद्र सरकार कर रही है। सीधे तौर पे जिस प्रकार से जब बात होनी चाहिए, अडानी के मुद्दे पे बात होनी चाहिए, जेपीसी की मांग होनी चाहिए, खुल के बोलना चाहिए, अगर कोई गलती सरकार के द्वारा नहीं की गई, अगर कोई संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और गौतम अडानी का नहीं हो तो एक टूक जवाब देना चाहिए, खुल के बात करना चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री 1.5 घंटे के अभी अपने भाषण में एक बार भी अडानी का जिक्र नहीं करते हैं और सवालों पर जवाब भी नहीं देते हैं। जी विवेक, देखिए लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर हो रही है, वो कह रही है कि तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन सबकी निगाहें इस पर है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद भी न्यायालय की तरफ राहुल गांधी क्यों नहीं बढ़े हैं। पवन खेड़ा के मामले में वो तो तुरंत न्यायालय की तरफ बढ़े थे। देखिए, उनको निश्चित समय दिया गया है, 1 महीने का समय राहुल गांधी को दिया गया है ताकि वो हायर जो है वो कोर्ट में अपील कर सके, हाई कोर्ट में जा सके। तकरीबन 1 माह का समय है। इस दौरान राहुल गांधी का वकील कहीं ना कहीं अपनी पुख्ता तैयारी कर रहे होंगे कि क्या कुछ तैयारियों के साथ उनको हाई कोर्ट में पेश होना है। सूरत की एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन आया है उस न्यायालय का डिसीजन का कांग्रेस के कार्यकर्ता भी सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से 24 घंटे के अंदर
संसद से जो नोटिफिकेशन आया है कि उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, पूरा बवाल वहीं पे मचा हुआ है कि इतनी जल्दी जो है ये नोटिफिकेशन जारी कर देना कि आपकी सदस्यता रद्द कर दी गई है, कहीं ना कहीं सरकार का ये तानाशाही रवैया दिखाता है। एक महीने का समय राहुल गांधी के पास है, उनकी टीम, उनकी वकील बाकायदा स्टडी कर रहे हैं कि किस प्रकार से अपने जो है विचार, अपने जो है चीजों को जो है वो हाईकोर्ट के सामने रखना है और राहुल गांधी को हाईकोर्ट से राहत दिलानी है। जी विवेक, देखा जाए तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस ये एकजुटता को लेकर बात कर रही है, संसद राहुल की संसद सदस्यता जाने के बाद विपक्ष पार्टियां जो है एकजुट हो गई हैं, तो कांग्रेस कितना सफल हो पाएगी सारे विपक्ष पार्टियों को एकजुट करने में? देखिए, ये नहीं कहा जा सकता कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्षी पार्टियां लामबंद हुई हैं या एकजुट हुई हैं। अगर इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आने वाले समय में सिर्फ 11 महीने बचे हैं लोकसभा चुनाव के लिए और हम सभी जानते हैं कि लगभग 10 सालों से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और तमाम विपक्षी पार्टियाँ जो हैं इस सरकार से परेशान हैं और कह रही हैं कि जिस प्रकार से अगर कोई सरकार के खिलाफ बोलता है, आवाज़ उठाता है, तो उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, विपक्ष को कुचल लेने का ये काम सरकार कर रही है, विपक्ष सरकार पे तानाशाही होने का दबाव, तानाशाही होने का आरोप लगाता है और कहता है कि ये सरकार सरकारी मशीनरी का, सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग कर रही है, चाहे वो CBI की बात हो, चाहे वो ED की बात हो, चाहे वो SEBI की बात हो, तमाम तरीके के आरोप विपक्ष लगातार लगा रहे हैं और इस 10-11 महीने में हमने देखा है किस प्रकार से क्षेत्रीय दल भी आपस में एक रणनीति बना रहे हैं, तीसरा मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्य विपक्ष है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, वो KCR से मिलते हैं, वो स्टालिन से मिलते हैं, वो ममता बनर्जी से मिलते हैं, वो नीतीश कुमार से मिलते हैं, राहुल गांधी के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करते हैं, मीसा भारती के घर जाते हैं, लालू परिवार का हालचाल पूछते हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि आज के दौर में तमाम देश के अन्य अन्य हिस्सों के क्षेत्रीय दल एक साथ आ रहे हैं और तीसरे मोर्चे की बात का गठन कर रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो है अपनी फ्रंट को, अपनी चीज़ों को, अपने स्टैंड को क्लियर रखे और जब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ी आक्रामक होते नजर आ रही है। और आज जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे ने तमाम विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई थी जिसमें समाजवादी पार्टी के अलावा रालोद के भी नेता पहुंचे थे और बड़े नेता सब वहां पहुंच के किस प्रकार से आगामी चुनाव को देखते हुए रणनीति तैयार करनी है ताकि केंद्र की सरकार को, मोदी सरकार को इस बार आने से रोका जाए। जी विवेक, बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चार बजे की चार बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम TV।